हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे ने, की हाल चाल। तो भाई आज थोड़ा बाहर का व्लॉग बना रहे हैं। आप लोग कहते हो ना कि थोड़ा बाहर का व्लॉग बनाया करो, तो जी बाहर का व्लॉग बन रहा है। आज छुट्टी थी जी, आज सैटरडे, तो सोचा जी थोड़ा बाहर घूम फिर लें। भूख भी लगी है, खाना भी है कुछ ना कुछ। तो अपना हरमन प्यारा है जी हंगरी जैक्स, तो वहीं जाते हैं जी, वहीं सस्ता मिलता है। $6-7 में आपका पेट भर जाता है जी फुल, जबकि मैकडी में महंगा पड़ता है जी। उस दिन मैं गया था तो फुल काम नहीं जी पेट भरने वाला। तो आज थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। शॉपिंग क्या जी, ग्रॉसरी लेनी है जी, गॉर्डन स्ट्रीट साइकिल। तो इधर इनकी पार्किंग भी है और आगे साइकिल स्टोर भी है, तो वहाँ पे हर तरीके का साइकिल मिल जाता है जी आपको, सस्ते से लेके महंगा, महंगे से लेके सस्ता, A to Z सब तरीके के। तो इधर साइकिल का, इस दिन दूध और केले लिए थे वुलवर्थ से। तो जी आज सामान देखेंगे, ग्रोवर्स मार्केट होती है कि यहाँ, और IGA, तो IGA भी सेम कोल्स और वुलवर्थ की तरह ही है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ क्या रेट है जी दूध का, तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं। तो आज यहाँ से लेंगे, देखेंगे क्या फ़र्क है जी। सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, जहाँ सस्ता मिलता है फिर वहीं से लेंगे। ये जी ग्रोवर्स मार्केट, सब्जी मंडी है ये, तो यहाँ केले कूले तो सस्ते मिल ही जाने चाहिए, तो केले वगैरह यहाँ से लेंगे और दूध इधर से लेंगे जी IGA से। लेकिन अभी पहले जा रहे हैं जी हंगरी जैक्स, भूख लगी है। तो आज कुछ आया नहीं जी विन एंड शेक में, आज पैसे लगाने पड़ेंगे, तो पैसे लगाते हैं जी आज। ये जी लिकर लैंड, तो यहाँ दारू मिलती है, ये है दारू का ठेका। एक ये एक डैन मर्फी है और एक वुलवर्थ वालों का होता है। तो ये जी लॉन्ड्री सर्विस, यहाँ पे आप आके अपने कपड़े वगैरह धुलवा सकते हो। तो रेट वगैरह क्या है ये इनका कन्फर्म नहीं है, जाते टाइम चेक कर लेते हैं ये एक बार, कि पूछ लेते हैं क्या रेट है कितने का। हंगरी जैक में भी कोई नहीं दिख रहा है, इधर खाली खाली सा पड़ा है सब, ये कोई नहीं बैठा। ये वो आ जाओ जी, हमारा भी ले लो ऑर्डर। गोरियां वेलियां नहीं है जी, गोरियां लगी हैं ये कम ते, कौन आऊगा जी। ऑर्डर दे रही है जी, तो अब अपना नंबर आएगा, 257 नंबर है, चल भी रहा है, प्रिपेयर कर रहे हैं जी अपना ऑर्डर। 257 नंबर आ गया था, ये उठा लाए तो अब खाएंगे फिर जाएंगे जी। तो जी खा पी लिया, आ गए जी इधर ग्रोवर्स मार्केट में केले लेने, यहाँ देखते हैं जी क्या रेट है केलों का। तो ये पड़ा है सब सब्जियाँ सब्जियाँ इधर अपने लोगों को लेने जी खाली केले। तो केलों का रेट देख लेते हैं क्या है, केले बड़े घटिया हैं इनके तो। केले घटिया नहीं जी, बहुत घटिया हैं इनके, ये ग्रोवर्स मार्केट वालों के। तो गेम पड़ गई जी आज अपने लोगों पे, या तो ये ऐसे केले हैं गंदे वाले, या उधर वो जो पड़े थे वो बेकार वाले, जैसे बीबी ने उठाया हुआ एक, कोई अच्छे नहीं है जी। बाकी आप देख लीजिए सब सब्जियां लगी हुई जैसी इंडिया में होती हैं, वो बैंगन वगैरह। बाकी सब सेम ही है जी, कोई फर्क नहीं है जी, कोई फर्क नहीं है, गेम पड़ गई है अपने लोगों पे। तो जी अपने साथ हो गई है कलोल, कुछ नहीं मिला जी वहाँ, तो गंदे गंदे केले रखे उन्होंने। तो अब जा रहे हैं जी IGA में दूध लें और वो ओट्स वगैरह लें और घर को चलते बने, और वुलवर्थ अच्छा है जी, वहीं जा कर लेंगे या फिर कोल्स में ले लो, इधर तो काम ख़राब है। तो जी आ गए IGA में, IGA ठीक है, ये भी सेम कोल्स और उसकी तरह ही है ठीक है जी, वुलवर्थ की तरह। तो ये दिखाते हैं क्या मसला इधर उधर। तो जी अपन लोगों को लेना है ओट्स और दूध, तो पहले ढूंढ लें जी ओट्स किधर है। ये लिखा है ब्रेड केक्स वाला है, कॉफ़ी कॉफ़ी नहीं चाहिए जी हमें, हेयर केयर ये तो ले लिया जी हमने,
ये हेयर केयर वाला इधर है, तो इधर भी नहीं जाना है। टॉयलेट पेपर, पेपर टॉवल, ऑयल, सैलड ड्रेसिंग, ना जी इधर भी नहीं जाना। ड्राइड फ्रूट्स, हर्ब्स, मैक्सिकन फूड, ये इसमें नहीं, ये इसमें भी नहीं जाना है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। इनके पास है, ये लिखा है जी, ओट्स वगैरह लिखे हुए इन्होंने, इधर है ओट्स, तो देखते हैं जी किधर है ओट्स। ये लगा हुआ है सिस्टम, लेकिन इनके पास तो बड़े छोटे छोटे हैं, ये तो बड़े महंगे पड़ जाने। मैं तो वहाँ $5-5 के लेके आया था वूलवर्थ से। नहीं इधर हैं, अच्छे हैं, बड़े हैं, तो ये उठाते हैं जी। कौन सा उठाना है, ये अंकल टू बाई वाले, अंकल टू बाईस वाला जो है ना, इसी कंपनी के आते हैं सब ये ओट्स वगैरह, तो देखते हैं कौन सा लेना है, फिर आपको बताते हैं जी। ये पैकेट तो है अपने पास, ओट्स तो हैं, लेकिन ये लेना है जी, होल ग्रीन वाला लेना है। ये ख़त्म हो गया अपना, और एक कोई चॉकलेट फ्लेवर लेते हैं, जिससे कि बीच में डाल के खा तो पाएँ, और कुछ नहीं तो केले फिर कल देखेंगे, उधर बुलवर से आएंगे तो वहाँ से लेंगे। पहले ये उठा लेते हैं एक चीज़, और इधर से दूध लेना। तो जी इधर फ्रोज़न सब्जियाँ सब्जियाँ मिलती हैं, जो कुछ भी चाहिए, गोभी गोभी, मटर शटर सब मिलता है इधर। इधर ठंडा एरिया है जी, ये इधर स्नो पड़ती है जी, इधर इधर ठंडा इसलिए क्योंकि इधर दूध वगैरह रखा है, और ये इधर फ्रीज़र चल रहे हैं, मिल्क वगैरह इधर है, तो दूध उठा लेते हैं जी। जो सस्ता पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, वही उठाएंगे जी। तो भाई लोग जो पूछते हैं ना कि प्रोटीन का रेट क्या है, तो मेरे को प्रोटीन की नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज तो भाई ये पढ़ लेना क्या क्या लिखा है। तो इसका प्राइस ये $26.49 है, ठीक है, ये प्रोटीन्स वगैरह हैं, पढ़ लें अपने हिसाब से भाई, मेरे को नॉलेज नहीं है, तो जो जो लिखा है मैं दिखा देता हूँ साइड कर करके कौन कौन से हैं। ये चीज़ें देखो अपने हिसाब से देख लो, और रेट का ये लिखा हुआ है, ये रेट नीचे लिखे हैं कौन कौन सा प्रोटीन का कौन सा है। बाकी यहाँ पे एक प्रोटीन शॉप भी है, वहाँ भी जाके किसी दिन देखते हैं अगर वो शूट करने दें तो ये है जी, जिनको अंडे खाने का शौक है तो अंडे का रेट चेक कर लो, ये $2.50 मतलब 2.30 है, 1.75 है। जी इधर लगभग सब सी फूड ही लगा हुआ, ऊपर ऊपर सी फूड है, और नीचे लैम वगैरह लगा हुआ है, बीफ वगैरह, तो इधर ये सब चिकन चुकन वाला जो गंदा काम, गंदा काम नहीं मतलब जो नॉन वेज वाला काम है, तो वो भी ठीक ठाक ही। तो इधर है जी क्लीनिंग वाला एरिया, तो क्लीनिंग में ये चीज़ें यूज़ होती हैं इधर, ये मोर्टिन मोर्टिन सब है जी इधर, मच्छर कॉकरोच इधर जी, कॉकरोच का ज़्यादा लफड़ा है, बाकी तो मच्छर मच्छर तो नहीं है ज़्यादा। और जो अपने ये सर्फ़ वगैरह हैं, तो सर्फ़ का प्राइस ये है, ये सर्फ है, ये $13 का है, ठीक है, ये सब सर्फ पड़े हुए हैं। अब मेरे को ये है कि कोई मेरे को उठा के ये ना कहे बेटा तो बाहर निकल ले, बड़ी वीडियो शूट करता है तो इधर आके, कोई नहीं जी टेंशन नहीं लेती इतनी, सब चल रहा है कामों का। तो ये जी चश्मे, चश्मे लड़कियों की वैरायटी बहुत है, तो लड़कियां, लड़कियों के लिए तो फ़ायदा है, लड़कों के लिए तो वैरायटी नहीं है जी। जी वो आपका भाई है, जो लोग पूछते हैं कि क्या रेट है शैम्पू शैम्पू का, तो शैम्पू का भी आज दिखा देते हैं कहाँ कहाँ कौन सा है। तो जी इधर शैम्पू शैम्पू कम है, वो ज़्यादा है, ये मॉइस्चराइज़र क्रीम है, तो इन इस चीज़ों का ज़्यादा ना लड़कियों को पता होता है, ये हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, तो फिर भी आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी क्रीम है, कितना कितना रेट है, ये पढ़ लेना जी। ये निविया की क्रीम, निविया की क्रीम है जी इधर, निविया है, और ये वैसलीन है, वैसलीन कंपनी होती है जी, पहले हम लोग सोचते थे वैसलीन वैसलीन ही होती है, अब पता चला है कि वैसलीन ही कंपनी है। तो ये डव कंपनी का भी इधर सब सामान पड़ा है जी, बाकी इनके लोकल ब्रांड्स हैं यहाँ के, देख सकते हैं ये सन बाथ वगैरह है, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं, देख लो जो समझ में आए, रेट तो साथ में लगे हुए हैं जी सबके। ये ब्रश है, ये जी सेंसोडाइन वाली पेस्ट इंडिया में मिलती है ना,
यहाँ भी है जी। इतने डॉलर की इंडिया में कितने की वो हिसाब लगा लो, ये कोलगेट की इतने की है, ये सब लगी हुई है। ये डेटॉल कंपनी का सामान लगा है इधर, ये पियर्स वगैरह साबुन सब इधर मिलते हैं, लक्स भी मिलता है जी। देखो वो ऐड आती है ना अपने इंडिया में, अब इधर सब है जी, लक्स डब मिल रहा है जी। बाकी और भी काफ़ी ब्रांड होते हैं इंडिया में, मेरे को उनका पता नहीं है जी, और यहाँ भी है वो ऑलरेडी, ये लगी हुई चीज़ें। ये जी डव की, ये जी लड़कियों के वो कलर कलर जो बाल बुल रंगने वाले होते ना वो है इसे। ये जी हेयर केयर वाला शायद, ये हेयर केयर वाली चीज़ें हैं इधर सब, मतलब बाल वाली। ये शैम्पू शैम्पू पड़े हैं जी, ये इतने डॉलर के शैम्पू ये वाले, और ये ऊपर आ गए शीशे शीशे बैंड, हेयर बैंड जो होते हैं लड़कियों के वो हैं कंघे कुंघे, ये सब पड़े हैं। ये एंटी डेंड्रफ शैम्पू है जी, इतने का है, ये सब लिखी हुई चीज़ें आप देख लें और चेक कर लें कितने की कौन सी चीज़ है। और जेल वगैरह भी इधर है, ये जेल $8.51 की, इंडिया में तो बहुत सस्ती मिल जानी है अगर जिसको जेल वगैरह का शौक है इंडिया से ले आए। और इधर सब ब्रांड होते हैं जी, इधर डव तो है, हेड एंड शोल्डर्स है, ये सब लगे हुए हैं। और इधर ये पैम्पर्स वगैरह है बच्चों के, हगीज़ वगैरह जो होते हैं ये चेक कर लें आप, ये लगे हुए हैं सब। ये बच्चों का इधर है, इधर बच्चों वाला डिपार्टमेंट, तो बच्चों के लिए चीज़ें जो कुछ भी है, ये बच्चों की चप्पलें जो प्लेटिंग की हुई है। वो चॉकलेट का शौक है वो ये देख ले, ये भंडार भरा हुआ है चॉकलेट का। ये जी जिसने भी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करना है ना तो जी इधर आके वो पूरा खरीद के गिफ्ट कर सकता है, और जिस गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड को देना है तो इधर से गिफ्ट कर लो, और कोई भाई बंधु हमको भी गिफ्ट कर दो ये चॉकलेटें, बुरा नहीं मानेंगे जी, हमें एक्सेप्ट है जी हर चीज़ें। ये सस्ती सस्ती चीज़ें आप देते रहो जी, कोई चक्कर नहीं है। ये जी इधर नेस्ले के सारी चीज़ें लगी हैं जी, कॉफ़ी कुफ़ी जो भी, कैपेचिनो वगैरह कैपेचिनो जो भी है, वनीला वनूला सारी हैं जी, मोचा मुचा जी सब सब लगाई जी, ए टू जेड लगाई जी। तो बहुत हो गया जी इधर सामान दिलाना दुलाना, तो अब जी दूध उठाएँ और चलते बने जी घर को। तो जी ज्ञान बांट दिया बहुत, दिखा दिया बहुत, अब दूध उठाएं और चलते बने, क्योंकि केले तो लेने नहीं यहाँ से, केले वहाँ से नहीं लेने, केले लेंगे जी बुलवर से, वहाँ से सस्ता पड़ता है। दूध इसलिए यहाँ से उठा लेते हैं क्योंकि यहाँ से उठा लेंगे बाहर कम उठाना पड़ेगा ना कल। तो ये दूध के रेट हैं 3.75 का, 3.15 का। तो जी अपन लोग लेंगे जी फुल क्रीम, फुल क्रीम वाला जो होता है जी, नीचे लगा है ये जी फुल क्रीम वाला, फुल क्रीम वाले तो बाकी भी है, बाकी अच्छा है। और इधर ये सामान सट्टा लगा हुआ है फ्रीज़र वाला, तभी इधर मौसम ठंडा है, आज हुडी पहन के आए हैं तो फ़ायदा मिल रहा है जी। ये बॉल्स वगैरह इधर लगा रखी हैं इन लोगों ने, खरीद लो खेल लो। ये कोक स्प्राइट फैंटा सब कुछ अवेलेबल है जी अपने हाथ में। तो अब इधर दिखाना जी, अब इधर हो जाना जी अपना। जी भाई लोग, तो वीडियो का एंड नहीं कर पाए थे वहाँ से आके, क्योंकि सीधे वहाँ से फिर फ़ोन आ गया था कि भाई काम पे आ जाओ, कि काम था यहाँ कि काम पे आ गए, तो वीडियो का एंड करना है। तो थोड़ा जी आपको दिखा दें मेरा वर्क स्पेस, यानी कि जहाँ मैं काम करता हूँ, किचन इधर हम लोग काम करते हैं, और बाहर रेस्टोरेंट है। तो ये है जी तंदूर, ये ऑयल, और इधर जी हम लोग कढ़ी वगैरह बनाते हैं जो बना सब्जियाँ वगैरह, तो बस ऐसा ही है सिस्टम। और आउटफिट का आपको बता दूं जी, आउटफिट में जी ब्लैक टी शर्ट होती है काम पे, देख लें आप ये टी शर्ट है, और ये वाले हाथी वाले शूज़ हैं, तो ये बड़े भारी हैं, ये
कुछ भी गिर जाए होता नहीं है, ये सेफ्टी शूज़ कहते हैं जी। ये ऐसे ही 35-40 डॉलर के आपको मिल जाएंगे, ट्राई कर लें, ये ज़रूरी है जी काम पे, इसके बिना जी आप काम नहीं करोगे, ये आपको पहन के ही काम करना होगा। ये जी इधर किचन और ये बाहर का, इधर जी अपने देश ठंडा है, तो इधर जी पंजाबी गाने चल रहे हैं, इस टाइम तो रात के टाइम चलते हैं इंग्लिश जब गोरे आते हैं। ये ताजमहल है जी, इस टाइम लंच टाइम है, फ्री है, छुट्टी हो गई है लंच टाइम में, तो अब शाम को फिर खुलता है, तो शाम के टाइम फिर भीड़ हो जाती है, इस टाइम तो अभी फ्री हो गए जी। थैंक यू जी वीडियो देखने के लिए, उम्मीद करते हैं जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।